दोस्तों मैं विकास तोली यूट्यूब पे लेके आ गया हूँ एट टेनिस के ऊपर पोस्ट मैच एनालिसिस। और दोस्तों जो वीडियो लेके आया हूँ इस बार खासी ताजा अपडेट लेके आया हूँ, जो अभी अभी मैच हुआ है स्टेफनोस सिसिपास वर्सेस डैनियल गैलन का। स्टेफनोस सिसिपास एटीपी रैंकिंग नंबर 5 ग्रीक के प्लेयर, और दूसरी ओर डैनियल गैलन कोलंबिया के प्लेयर बोगोटा के रहने वाले। शानदार प्रदर्शन किया डैनियल गैलन ने और स्टेफनोस सिसिपास अपसेट, पहला अपसेट दिया यूएस ओपन में शानदार प्रदर्शन करके। उम्मीदें थी स्टेफनोस सिसिपास पहला राउंड क्वालिफाई आराम से कर जाएंगे और पहले राउंड में विक्ट्री हासिल करके सेकेंड राउंड में खेलेंगे जॉर्डन थॉम्सन के साथ, बट ऐसा नहीं हुआ। अब वो खेलेंगे डैनियल गैलन जॉर्डन थॉम्सन के साथ। थॉम्सन ने भी शानदार प्रदर्शन किया है, पहले 2 सेट हारने के बाद 3 सेट जीते हैं, तो उनसे भी अच्छी उम्मीद होगी। अब डैनियल गैलन का मैच थॉम्सन के साथ ही होना है। दोस्तों ये आज जो अपसेट हुआ ये पहला अपसेट है, और इसी रिगार्डिंग वीडियो लेके आऊँ। वीडियो में बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको यही बता दूंगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बेल आइकन पर जाकर नोटिफिकेशन को क्लिक कर लो, ताकि सारी स्पोर्ट्स रिगार्डिंग अदर एक्टिविटीज के रिगार्डिंग आपको अपडेट्स मिल सके। अरे दोस्तों अब बड़े पोस्ट मैच एनालिसिस के पहले सेट की, और पहला सेट तो डैनियल गैलन का क्या शानदार रहा है, बहुत लाजवाब रहा है प्रदर्शन। वो इसलिए क्योंकि ATP रैंकिंग नंबर 5 के सामने उन्होंने बेगल मार दिया। 1 लव 2 लव 3 लव 4 लव 5 लव 6 लव अपनी सर्विस गेम पे तो होल्ड रखे थे। स्टेफनोस सिसिपास की सर्विस गेम भी ब्रेक कर रहे थे, 3 बार सर्विस गेम ब्रेक की पहले सेट में, और अपनी सर्विस गेम पे हमेशा होल्ड रखा। शानदार प्रदर्शन किया है, देखा जाए बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है, उच्च स्तरीय प्रदर्शन किया है डैनियल गैलन ने, और 6 लव से पहला सेट जीता। सेकेंड सेट की और बात करें तो सेकेंड सेट में भी लगभग बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया, बस एज कम्पेयर टू फर्स्ट सेट उन्होंने इस बार 8 पॉइंट जो सर्विस गेम है सिसिपास वो जीते हैं, बट उसके अलावा कुछ खास अच्छा नहीं डटा सिसिपास के लिए। 1 लव 2 लव 3 लव 4 लव 5 लव इस बार भी हो रहा था, फिर फाइनली सिसिपास ने सर्विस गेम पे होल्ड रखा, और 6-1 पे फिर से डेविड गैलन ने शानदार प्रदर्शन करके सेकंड सेट जीता। अब थर्ड सेट में सिसिपास को मैच बचाना था, क्या मैच बचा सकते, और थर्ड सेट में उन्होंने बचाया। आते ही सर्विस गेम पे ब्रेक की, उन्होंने अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, और अपनी सर्विस गेम वो शुरू में करवा रहे थे, तो जैसे ही 5-3 वो अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखे जीत गए। शुरू में करवाने से उनको क्या एक ही बार ब्रेक पॉइंट कन्वर्ट करेंगे तो वो 6-3 से जीतेंगे, अगर शुरू में सर्विस नहीं करवा रहे हो तो एक बार कन्वर्ट करेंगे तो 6-4 से जीतेंगे। ये अंतर आता है शुरू में सर्विस गेम करवाने का। फोर्थ सेट की बात करें तो फोर्थ सेट में भी आते ही सर्विस गेम ब्रेक की थी स्टेफनोस सिसिपास ने, तो अब लग रहा था कि वो ये वाला सेट ऊपर आ गया है, और वो देखा जाए मैच में भी ऊपर आ गया है, वो बराबरी कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं हुआ। जब वो थे 4-3 की लीड पर थे और वो वाला सर्विस गेम जीत जाते तो 5-3 होता, बट 4-3 की लीड पे थे तो डैनियल गैलन ने शानदार प्रदर्शन करके स्टेफनोस सिसिपास की सर्विस गेम ब्रेक कर दी। और जैसे ही स्टेफनोस सिसिपास की सर्विस गेम ब्रेक की और अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखा, 6-5 से वो लीड करने लग पड़े। 6-5 से लीड कर रहे थे, वो शानदार प्रदर्शन किया, और अपनी अब स्टेफनोस सिसिपास को अपनी सर्विस गेम पे होल्ड रखना था जाता टाई ब्रेकर, बट ऐसा वो नहीं कर पाए स्टेफनोस सिसिपास, और डैनियल गैलन ने उनकी सर्विस गेम ब्रेक की। सेट पॉइंट्स आए बहुत सारे, उससे पहले भी ब्रेक पॉइंट आया था सिसिपास के पास की डैनियल गैलन की ब्रेक पॉइंट सर्विस गेम करें, बट डैनियल गैलन ने वो भी बचाया। इस बार सेट पॉइंट्स आए सिसिपास ने, सेट पॉइंट शुरू में तो बचाए बट इन द एंड सेट पॉइंट कंसीड कर दिया, और वो सेट पॉइंट क्या मैच पॉइंट भी था। डैनियल गैलन अब नेक्स्ट राउंड में पहुंच चुके हैं। स्टैट्स की नजर डालें तो स्टैट्स नॉर्मल रहे हैं, देखा जाए ब्रेक पॉइंट्स स्टेफनोस सिसिपास की नज़र से बहुत अच्छे नहीं डटे हैं। 11 आउट ऑफ 18 18 बार ब्रेक पॉइंट्स आए हैं सिसिपास का, उसमें से 11 बार तो सेव किए बट 7 बार सेव करने में कामयाब नहीं हुए। दूसरी ओर देखा जाए 7 आउट ऑफ 9 7 बार ब्रेक पॉइंट सेव किया डैनियल ने बट 2 बार ब्रेक पॉइंट सेव करने में कामयाब नहीं हुए। वो थर्ड सेट जिसमें वो हारते फोर्थ सेट, बट उसमें अच्छा कमबैक किया था, 1 बार कन्वर्ट हुआ था, उन्होंने 2 बार ब्रेक पॉइंट्स कन्वर्ट किए। रैलीज भी शानदार प्रदर्शन किया, अब सिसिपास चाहेंगे कि अच्छा प्रदर्शन करना, क्योंकि अब वो अगले जो टूर्नामेंट है उसमें ही खेलेंगे, और यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम में वो अभी तक उनका एक चाह था कि ग्रैंड स्लैम जीतना, इस बार भी इस साल उनका नहीं सपना पूरा हो सका, वो नेक्स्ट ईयर चाहेंगे। और मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट विशेज
चीज़ है उनके लिए कि वो अच्छा प्रदर्शन करें, फिनाले में जाके जीतें दोस्तों। अब डैनियल गैलेंट का जो मैच होगा वो शानदार होगा जॉर्डन थॉम्पसन के साथ, क्योंकि थॉम्पसन भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, टू सेट्स डाउन होने के बावजूद भी जीते हैं, तो मैच उनका रोमांचक होने वाला है। एक कोलंबिया के प्लेयर, दूसरे ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर। दोस्तों आपका क्या लगता है कि कैसा मैच होगा? वीडियो अच्छी लगी वीडियो को दोस्तों लाइक करो, कमेंट करो और ढेर सारा प्यार देते रहो दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।